बैंक के इंटरेस्ट रेट्स है मॉर्गेज के ऊपर, अगर आप यहाँ पे घर लेना चाहते हो। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा के बारे में। तो 18th अक्टूबर को उन्होंने जो लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूँ अवि और मैं हूँ गौरव, और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। और आजकल आपने न्यूज में काफी देखा होगा, यूके में बवाल मचा हुआ है, तीन तीन प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं पिछले 2 महीनों के अंदर, और अभी जो हमारे इंडियन ओरिजिन वाले प्राइम मिनिस्टर आया है ऋषि सुनक, और क्या क्या न्यूज में सुनने के लिए आ रहा है, तो कुछ क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। उसी के साथ साथ हम कुछ वीजा और इमिग्रेशन अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। 18th अक्टूबर को गवर्नमेंट ने एक अपडेट रिलीज करी थी वीजा और इमिग्रेशन को लेके, तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट वीजा और डिपेंडेंट वीजा पे क्या चेंजेस आने वाले हैं या आ सकते हैं, तो इन चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। जैसे कि आपको पता है यूके में काफी ज्यादा इमिग्रेशन अपडेट्स आ रही हैं, और यहाँ पर 18 अक्टूबर में इन्होंने नई इमिग्रेशन जो अपडेट्स है वो अनाउंस करी थी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो चुके हैं 3 महीने में 3 बार। तो मतलब सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जैसे कि आपको पता है बोरिस जॉनसन थे, जिनको कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के कारण उनको रिजाइन करना पड़ गया था। अब कॉन्ट्रोवर्सीज की बात की जाए तो यार कोविड पे पार्टीज वगैरह की न्यूज आई थी और भी काफी सारी न्यूज आई थी, आपको पता ही होगा आजकल न्यूज में सब कुछ आ ही जाता है। उसके बाद उन्होंने जब रिजाइन किया तो लिज ट्रस आई थी, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी की थी, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो लीडरशिप में थी यहाँ पर। तो जब वो आई तो उन्होंने भी 44 डेज के बाद प्रेशर के कारण रिजाइन कर दिया, काफी प्रेशर था उनके ऊपर भी। और उसके बाद अब ऋषि सुनक जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर है, वो डिक्लेयर हुए, कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पर वो डिक्लेयर किए गए हैं, यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के हैं वो। तो काफी लोगों को ना मतलब ऐसे प्राउड फील हो रहा है, हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि यार पहली बार कोई इंडियन ओरिजिन जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हमें देखने को मिले हैं, और काफी ज्यादा हम होप भी कर रहे हैं कि आगे जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। लेकिन अभी उनके ऊपर यार काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, यहाँ पे वॉर की वजह से, मतलब जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर था उसके भी काफी इफेक्ट्स हैं, ब्रेक्जिट के इफेक्ट हैं, और जो कोविड के इफेक्ट है वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तो अभी काफी सारी ना उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो एक और चीज के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है इन्फ्लेशन। अभी भी इन्फ्लेशन ना बिल्कुल भी नीचे नहीं आई है, वो बढ़ती ही जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले हम रिसर्च कर रहे थे, तो जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स है मॉर्गेज के ऊपर, अगर आप यहाँ पे घर लेना चाहते हो, वो ऑलरेडी 6% हो चुका है। तो आप बिलीव कर सकते हो कि 1.5% से एक साल के अंदर अंदर वो 6% हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यूके में ही हुआ है, कनाडा में, यूएस में, हर जगह पे मैंने बात करी अपने फ्रेंड से, वहां पर भी जो मॉर्गेज के रेट्स हैं वो 5% 6% जो है पहुंच चुके हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो हर जगह चल रही है, और इसका रीजन यही है यार, कुछ ब्रेक्जिट रीजन है, यहाँ यूके में तो ब्रेक्जिट भी हो सकता है, वॉर, जो यहाँ पे जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसके रेट्स जो हैं काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, ऑयल के प्राइसेस और गैसेस के प्राइसेस, तो ये सब चीजें जो हैं वो इन चीजों के इफेक्ट से हो रही हैं। जब भी ये सारी चीजें होती है, जो इफेक्ट होता है वो पूरे वर्ल्ड में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके में ही इन्फ्लेशन है, इट्स एवरीवेयर। तो अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यार, जब से यहाँ पे PSW आया तो इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो मैटर है वो यहाँ पे कंसर्न में आ गया मिनिस्टर्स के, क्योंकि जो नंबर्स है वो 5-fold बढ़ चुके हैं। मतलब 2019 में जितने लोग यहाँ पे आते थे स्टूडेंट वीजा पे, डिपेंडेंट वीजा पे, और 2022 में जो नंबर है वो 5-6 गुना ज्यादा जो है बढ़ चुके हैं। तो इनको लग रहा था कि यार इतने तो लोग नहीं आएंगे ऑब्वियसली, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ प्रपोजल्स निकाले कि भाई उनके ऊपर कैप लगा देते हैं कि इतने ही डिपेंडेंट आप लेके आ पाओगे। बट वो भी ये लोग जो है वो डील कर रहे हैं, आपस में बातचीत चल रही है इनकी, अभी भी कोई ऐसा रिजोल्यूशन इन्होंने नहीं दिया है या फिर कोई भी अनाउंस नहीं किया अपडेट कि ऐसा कुछ कैप लगाने वाले हैं। और दूसरी बात यह कि यार इंटरनेशनल स्टूडेंट जब भी यूके में आते हैं ना तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं, यूके की इकोनॉमी में सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो या तो वो वीजा पे आने वाले लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, या फिर जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं डिपेंडेंट वीजा पे जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो NHS के लिए भी IHS फीस पे करते हैं, फीस यहाँ पे नॉर्मल जो अपनी ट्यूशन फीस है वो पे करते हैं जो यूनिवर्सिटीज के पास जा रही है। दूसरा यहाँ पे क्या पे होता है, जब भी वो यहाँ पे आते हैं लिविंग कॉस्ट में वो जितने पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो भी इकोनॉमी में ही जा रहे हैं, यहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह में जहां पर भी वो जॉब करेंगे, खाना वाना खाएंगे, कुछ भी खरीदेंगे तो इकोनॉमी में ही हेल्प हो रही है।
तो इस वजह से उनको लगता है यार ये बिल्कुल रोक भी नहीं सकते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ताकि इकोनॉमी में इनको मतलब काफी ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़ जाए। तो यार बेसिकली यहाँ पे जो लैंड है वो बहुत ही छोटी है, हम इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं कि यूके बहुत छोटा है। तो यार ऑब्वियसली इमिग्रेशन बहुत सारा पैसा लाती है कंट्री के अंदर, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए इट्स वेरी यूजफुल ऑप्शन। बट उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उनको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास इनफ स्पेस है इमिग्रेंट्स के लिए या नहीं। ऐसा नहीं है कि इमिग्रेशन बंद कर देंगे या PSW बंद कर देंगे, तो इसी वजह से हो सकता है कि होम ऑफिस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने लग जाएंगे, खासकर स्टूडेंट वीजा के ऊपर, डिपेंडेंट वीजा के ऊपर। वो लोग ये ट्राई करेंगे कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है वो अपनी फीस पे कर रहा है, पूरी IHS फीस पे कर रहा है, और हर एक डिपेंडेंट के लिए उसके पास मेंटेनेंस फंड्स हैं ताकि वो उनको सपोर्ट कर पाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आने के बाद वो सपोर्ट ही ना कर पाए और सारा जो है इनको संभालना पड़े यूके की गवर्नमेंट को। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन उन्होंने नहीं दिया या कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी है कि भाई इस टाइम से PSW बंद हो जाएगा या इस टाइम से स्टूडेंट वीजा डिपेंडेंट वीजा के पैसे ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे या ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो PSW भी है और मुझे ऐसा लगता है यार अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, इनको इकोनॉमी में बूस्ट चाहिए, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये PSW जो है वो इतनी जल्दी बंद कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लगाएंगे, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स कर देंगे, हाँ कुछ रिक्वायरमेंट्स हो जाएगी जो कि फुलफिल करनी पड़ेगी यहाँ पे स्टूडेंट्स को, डिपेंडेंट्स को। तो हो सकता है ये कुछ होएगा, बट ऐसा आपको कोई डरने की बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स चेंज हो जाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा। तो होपफुली यार पॉजिटिव चेंजेस आने को ही दिखेंगे, हम तो ऐसे ही होप करते हैं। और गौरव यहाँ पे अपने फोन में लगा हुआ है, क्या कर रहे हो? मैं ना इंडिया पैसे भेज रहा हूँ, जब भी हर महीने मैं अपने मम्मी पापा को कुछ ना कुछ पैसे भेजता हूँ और वो भेजता हूँ पेसेंट के थ्रू। तो यार आप में से काफी सारे लोग जो है वो अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे होंगे, यूके आने का प्लान कर रहे होंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी आप यहाँ पर आते हो और अपनी होम कंट्री में पैसे सेंड करना चाहते हो तो पेसेंट जो है वो सबसे रिलायबल ऑप्शन रहता है। हम खुद भी पेसेंट यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो इसमें यह है कि यार आपको बहुत ही सिंपल है यूज करना, अपने फोन से आप यूज कर सकते हो, ऐप यूज कर सकते हो, वेबसाइट यूज कर सकते हो, ATM कार्ड से पैसे भेज सकते हो, बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हो। फिक्स्ड फी आपकी लगती है, फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब भी आपको यहाँ से पैसे सेंड करने हैं आप अगर पेसेंट के थ्रू करोगे तो आपका जो ट्रांसफर फीस है वो पहले ही पता चल जाएगी कि ये फीस लगने वाली है, इतने पैसे जो है वो उनके अकाउंट में पहुंचेंगे और इतने पैसे जो है वो आपके अकाउंट से कटेंगे। और दूसरी बात यह यार ट्रस्टवर्दी है, मतलब जो अगर आप ट्रस्ट पायलट पे अगर इसके रिव्यूज देखोगे पेसेंट के, तो 30,000 से भी ज्यादा रिव्यूज हैं और 4.5 स्टार्स है आउट ऑफ 5। तो आजकल आज की डेट में यार हम हर चीज जो है वो रिव्यूज के बेस पे करते हैं, अमेजोन से कुछ भी खरीदना होता है तो भी हम रिव्यूज चेक करते हैं। और अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला बेनिफिट ये है ग्लोबल कवरेज है, 170 से भी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। दूसरा फिक्स्ड फी ट्रांसपेरेंट है, जो भी आपको सेंड करने हैं पैसे आपको पहली बार चल जाएगा कि आपकी फीस कितनी लगने वाली है। तीसरा कॉम्पिटिटिव रेट्स है, बैंक लेवल सिक्योरिटी, जब भी आप यहाँ से पैसे सेंड करते हो आपके जो कार्ड की डिटेल्स है, आपके अकाउंट की डिटेल्स है, वहाँ पे बैंक लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, FCA और PCI DSS कंप्लाइंट है ये वाली जो ऐप है या फिर वेबसाइट है। उसके बाद इंस्टेंट प्रोसेसिंग, जब भी आप यहाँ से पैसे सेंड करते हो तो इंस्टेंटली वो उनके अकाउंट में पहुंच जाते हैं विद इन सेकंड्स टू मिनट। और लास्ट सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यूज करने का ये कि 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, किसी भी टाइम पे अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, पैसे सेंड नहीं हो रहे या कोई भी दिक्कत आती है, आज तक मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन कभी भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इनसे सपोर्ट ले सकते हो, कॉल कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो, इनको 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। तो गो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको फ्री 3 ट्रांजेक्शन जो है वो मिलेंगी। तो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट होती है वो इमिग्रेशन जो अपडेट्स होती है वो रिलीज करती है अपने वेबसाइट पे। तो 18 अक्टूबर को उन्होंने जो लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट रिलीज करी है उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने रिसर्च करके उठाया है। तो जो सबसे पहला इमिग्रेशन अपडेट आया वो सीजनल वर्कर वीजा के लिए आया है, उसमें उन्होंने एक कैटेगरी ऐड की है पोल्ट्री वर्कर। तो पोल्ट्री ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिसमस आने वाली है तो उसके लिए उनको पोल्ट्री वर्कर्स चाहिए होते हैं स्पेसिफिकली ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम। तो उन्होंने एक ऑप्शन निकाला है फॉर 18 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर फॉर एवरी ईयर, अगर आप यहाँ पे आके काम करना चाहते हो जस्ट एज अ पोल्ट्री वर्कर। वो उन्होंने एक सेपरेट एक ऑप्शन ऐड किया है सीजनल वर्कर वीजा में। उसी के साथ साथ उन्होंने एक ऑप्शन ऐड किया है विजिटर वीजा में फॉर मिडवाइफ स्टूडेंट। So if you are doing midwife courses, degree level course in your own home country, आप visitor visa पे यहाँ पे आ सकते हो elective courses करने के लिए, क्योंकि visitor visa पे वैसे किसी भी study allowed नहीं होती। हाँ study allowed नहीं होती, but अगर आप midwife student हो तो आप यहाँ पे आके elective courses कर सकते हो, but आप किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते, किसी भी तरह का paid काम नहीं कर सकते और किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टिव कोर्स के लिए विजिटर वीजा पे आ सकते हो। और इसी के साथ एक और जो अपडेट है वो है क्रिएटिव वर्कर वीजा के बारे में। पहले क्या था, अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड विजिटर वीजा पे आए हो तो विजिटर वीजा को आप क्रिएटिव वर्कर वीजा में चेंज कर सकते थे।
तो ये एक इकलौता ऐसा वीजा था जो आप जिसमें आप विजिटर वीजा को क्रिएटिव वर्कर वीजा में चेंज कर सकते थे, जो कि अब जो है वो बंद हो चुका है। दूसरी अपडेट है, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है ग्लोबल टैलेंट वीजा के ऊपर। ग्लोबल टैलेंट वीजा में क्या होता है, जब भी कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उनके, तो उसमें क्या है स्पेसिफिक वर्क डन के लिए आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई जनरल कोई काम किया कंपनी के लिए तो वहां से आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर दी। तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है इन्होंने लगा दिए ग्लोबल टैलेंट रूट के ऊपर। इसी के बाद जो यूथ मोबिलिटी स्कीम है उसके बारे में कुछ और ये क्लैरिफिकेशन जो है वो अभी आने वाली है, वो अभी आई नहीं है। तो ये कुछ ऐसे अपडेट्स थे जो कि 18th अक्टूबर से इन्होंने थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट करी थी, तो हमने आपको वो सोचा कि चलो थोड़ी अपडेट दे देते हैं, कुछ थोड़ी क्लैरिफिकेशन डालते हैं वो हर एक वीजा टाइप में टाइम टू टाइम। यस, तो अभी तक जो है ये सारी अपडेट्स थी। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे पीएम जो है वो चेंज हो चुके हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आने को मिलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सब कुछ। उसके बाद इमिग्रेशन में अगर कोई स्टूडेंट या डिपेंडेंट वीजा के ऊपर कोई भी नई इमिग्रेट अपडेट आती है, इमिग्रेशन अपडेट, तो वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया। पीएसडब्ल्यू और डिपेंडेंट स्टूडेंट वीजा का जो भी अभी तक रूल्स हैं वो सेम ही है, तो अभी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ अगर आगे अभी प्लान कर रहे हो तो हाँ, कर सकते हो कोई ऐसी वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी के अपडेट्स हमने आपको बता दिए। तो यार होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिल गई होगी और हम यही चाहते हैं कि कुछ भी ऐसी अपडेट आए तो आपके साथ शेयर करते हैं। हो सकता है हम थोड़ी लेट हो गए इस बार क्योंकि हमारे मॉम डैड आए हुए थे यहाँ पे, तो हम काफी ज्यादा घूम रहे थे और आगे आने वाले व्लॉग्स में भी आप देखोगे तो हम काफी सारे हमारे प्लान्स हैं। बट फिर भी यार हमारे व्यूअर्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें अच्छे से बैठ के समझा दे कि यूके में क्या चल रहा है और क्या अपडेट्स है, तो हम वही चाहते थे, तो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट दिस वीडियो फॉर यू। यस, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, कोई भी आपके डाउट्स हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय। Thank you.